गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। टुडे वी विल स्टडी आवर 13th चैप्टर, पेज नंबर 68। वी कैन ओपन द पेज नंबर 68। ओके, शुड वी स्टार्ट? यस, वी विल स्टडी अबाउट दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली इज अ हिस्टोरिकल प्लेस। दिल्ली क्या है? एक मेट्रो सिटी है और ये हिस्टोरिकल प्लेस कहलाया जाता है दिल्ली को। दिस ब्यूटिफुल सिटी, और ये सुंदर सी सिटी को, सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, और ये यमुना तट के किनारे पे स्थित है। इट हैज़ बीन द कैपिटल ऑफ मैनी किंग्स। ये कई सारे राजाओं की कैपिटल है और एम्परर्स इन द पास्ट। द सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सिटी ऑफ दिल्ली वॉज फर्स्ट बिल्ट बाय द पांडवा किंग्स। पहली बार पांडवा के राजा ने बनाया था। इट वॉज नोन एज इंद्रप्रस्था, उसको इंद्रप्रस्था भी कहा जाता है। मच लेटर एन एम्परर नेम्ड शाहजहां, बहुत ही फेमस एम्परर था जिनका नाम था शाहजहां, आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने रीबिल्ट किया सिटी को और नाम रख दिया, कॉल्ड इट शाहजहांबाद। द ब्रिटिश बिल्ट और ब्रिटिशर्स ने बिल्ट किया बनाया नई न्यू दिल्ली को एज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का कैपिटल बनाया न्यू दिल्ली। द सिटी वॉज प्लान्ड, और सिटी को अच्छे से प्लान किया गया था और डिज़ाइन किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। आर्किटेक्ट ब्रिटिशर, एक ब्रिटिशर आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था सर एडविन ल्यूटेंस, ब्रिटिशर थे ये, इन्होंने डिज़ाइन किया था सिटी को। न्यू दिल्ली इज़ अवर नेशनल कैपिटल, न्यू दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है। द ऑफिशियल नेम ऑफ दिल्ली, जो ऑफिशियल नेम है दिल्ली का, उस द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाता है, नेशनल टेरिटरी ऑफ कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इट इज सराउंडेड बाय उत्तर प्रदेश, इसके चारों तरफ उत्तर प्रदेश बसा हुआ है, ऑन द ईस्टर्न साइड एंड हरियाणा ऑन द अदर थ्री साइड, और दूसरे तीन साइड से हरियाणा बसा है। द राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति भवन है वो न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स हियर, यहाँ पे इंडिया के प्रेसिडेंट रहते हैं। ऑल द मेन गवर्नमेंट ऑफिसेज, जो मेन ऑफिसेज है गवर्नमेंट के, सरकार के, वो सब न्यू दिल्ली में हैं। द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है वो भी न्यू दिल्ली में, और वो बिल्डिंग टू ब्लॉक्स हैं उसमें। द मिनिस्टर्स हैव देयर ऑफिसेज हियर, यहाँ पे उनके मिनिस्टर्स के ऑफिसेज हैं। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जो प्राइम मिनिस्टर्स का ऑफिस है, इज इन द साउथ ब्लॉक, वो साउथ ब्लॉक में है। अदर मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम ऑफिसेज, और जो दूसरे अदर मिनिस्टर्स और हैं उनका डिपार्टमेंट्स जो हैं वो दूसरे इंडियन गवर्नमेंट के, वो काम करते हैं दूसरे ऑफिसेज से जो साउथ ब्लॉक में है। द पार्लियामेंट हैज़ टू हाउसेज, पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, राज्यसभा एंड द लोकसभा। मेंबर होल्ड देयर डिस्कशंस, मेंबर्स जो हैं वहाँ के, वो अपना डिस्कशन वहाँ पे बैठ के करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज, और दूसरी कंट्रीज की जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स हैं वहाँ, उन ऑल्सो हैव ऑफिसेज, उन लोगों के भी ऑफिसेज वहाँ पे बनाए गए हैं इन दिल्ली। दीज फॉरेन ऑफिसेज, और ये फॉरेन ऑफिसेज जो हैं आर कॉल्ड एम्बेसीज और हाई कमीशंस, उनको एम्बेसीज या हाई कमीशंस कहा जाता है। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज एक्सट्रीम, दिल्ली का क्लाइमेट बहुत ही गर्मी में बहुत ही गर्म होता है, ठंडों में बहुत ही ठंडा होता है। इट हैज़ वेरी हॉट समर्स, गर्मियों में बहुत ही गर्म होता है, मैंने कहा आपसे बताया था। हॉट एंड ड्राई विंड्स, वहाँ पे बहुत ही गर्म हवा और सूखी हवा चलती है जिसको हम बोलते हैं लू, ब्लो फ्रॉम अप्रैल टू जून, जो कि अप्रैल महीने से शुरू होकर के जून महीने तक चलती है। विंटर्स आर वेरी कोल्ड, ठंड वहाँ पे बहुत पड़ती है। एंड इट रेन्स फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर, और वहाँ पे बारिश होती है जुलाई से सेप्टेम्बर तक। बच्चों यहाँ पे एक फिलअप दिया गया है, उसको आप लोग उसका आंसर लिख लीजिए, मैं बता रही हूँ। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज इन द साउथ ब्लॉक ऑफ दिल्ली, जी यहाँ पे साउथ ब्लॉक ऑफ दिल्ली लिख लीजिए। ओके,
टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिल्ली. टूरिस्ट जो आते हैं पूरे वर्ल्ड से, वो दिल्ली विजिट करने आते हैं. दे कम हेयर टू सी इट्स हेरिटेज. वो वहाँ पे आते हैं उनका हेरिटेज देखने को. दे विजिट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखने आते हैं, जैसे कि रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जंतर मंतर एंड द जामा मस्जिद. ऑन 15th अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग लहराते हैं. कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द रेड फोर्ट. जामा मस्जिद वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल मॉस्क. जामा मस्जिद जो है वो सबसे बड़ा और बहुत ही सुंदर मॉस्क है वहाँ का, इंडिया का. वॉज बिल्ट बाई शाहजहां, जो शाहजहां ने बनाया था. द ऑब्जर्वेटरी ऑफ जंतर मंतर, और जंतर मंतर का जो सीन है जो दिखता है, वॉज बिल्ट बाई महाराजा जयसिंह टू. वो महाराजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया है. इट वॉज यूज टू स्टडी द सन. वो बनाया गया है क्यों? क्योंकि वो सन की पढ़ाई के लिए बनाया गया है, मून की और स्टार्स की एंड द प्लैनेट्स की. कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाई कुतुबद्दीन आईबाग. और कुतुब मीनार बनाया किसने है? कुतुबद्दीन आईबाग ने. शंकर्स इंटरनल डॉल्स म्यूजियम. शंकर की इंटरनेशनल डॉल्स, इंटरनेशनल जो बाहर से डॉल्स जो आती हैं, म्यूजियम्स होती हैं, हुमायूनस टॉम्ब होती हैं, ये सब नाम है. नेहरू प्लेनिटोरियम है, राजघाट, शांति वन, इंडिया गेट, जू एंड लोधी गार्डन. ये सब घूमने के पॉइंट्स हैं. यहाँ बहुत बड़े बड़े, ये सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, पॉइंट्स हैं. यहाँ पे घूमने लोग आते हैं बाहर से. आसम अदब places of tourist interest. यहाँ से बाहर के लोग आते हैं इंटरेस्ट लेके घूमने के लिए. द मुगल गार्डन. मुगल गार्डन जो है वो सिचुएटेड है विद इन द राष्ट्रपति भवन. वो राष्ट्रपति भवन के पास ही सिचुएटेड है. वो सबसे ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ दिल्ली कहा जाता है उसको. द राजघाट इज द समाधि. राजघाट क्या है? वो समाधि है महात्मा गांधी की. वहाँ पे महात्मा गांधी को दफनाया गया था, समाधि बनाई थी उनकी. द शांति वन इज द मेमोरियल ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. द शांतिवन, शांतिवन जो है वो पहला मेमोरियल है इंडिया का पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का. अमर जवान. ज्योति इज द फ्लेम लिट ऑफ द इंडिया गेट. अमर जवान जो है ज्योति, वहाँ पे पहला फ्लेम जलाया था इंडिया गेट पे. द फ्लेम बर्न्स कंटिन्यूसली. वहाँ पे ऑलवेज फ्लेम जलता रहता है. किसकी मेमोरी में, किसकी याद में? जवान्स की याद में. हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर इंडिया. जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी इंडिया के लिए. नाउ देर आर टू MCQs. यू कैन टिक द आंसर. देर इज वन MCQ ओनली. द ऑब्जर्वेटरी ऑफ जंतर मंतर वॉज बिल्ट बाई जंतर मंतर की ऑब्जर्वेटरी किसने बनाई थी? फर्स्ट इज शाहजहां, सेकेंड कुतुबद्दीन आईबाग, महाराजा जयसिंह टू, या नन ऑफ दीज. यस, सी पे टिक कर लीजिए, महाराजा जयसिंह टू. दिल्ली हैज़ सम वेल नोन रिलीजियस प्लेसेस. दिल्ली में कुछ जानी मानी रिलीजियस प्लेसेस भी हैं जो अट्रैक्ट करती हैं इंडियंस को, एज वेल एज द टूरिस्ट जो बाहर से घूमने आते हैं उनको भी अट्रैक्ट करती हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. द बिरला मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहिब, जामा मस्जिद, सेंट जेम्स चर्च, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल फर्दर एड टू द ब्यूटी ऑफ द कैपिटल. ये जगह कुछ ऐसी हैं जो हमारे इंडिया के कैपिटल को और सुंदर बनाती हैं और सुंदर और अच्छा दिखाती हैं. ये प्लेसेस घूमने लायक होती हैं जो बाहर से लोग अट्रैक्ट होते हैं, देखने आते हैं सिर्फ इन्हीं जगहों को, प्लेसेस को. दिल्ली हैज़ मैनी स्टेडियम्स. कई सारे स्टेडियम्स भी हैं दिल्ली में, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम. इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स भी हैं वहाँ पे होते रहते हैं. सिटी ऑफ दिल्ली सक्सेसफुली होस्टेड. जो दिल्ली सिटी ऑफ दिल्ली जो है वो वहाँ पे होस्ट होता रहता है, अच्छी से होस्ट होता रहता है. कॉमनवेल्थ गेम्स वहाँ पे होस्ट होते हैं जो 2010 में हुए थे. वेल डेवलप्ड मॉडर्न रोड्स भी वहाँ पे बनी हुई हैं, ब्रिजेस,
फ्लाईओवर्स भी हैं जो बनाए गए हैं दिल्ली में, एंड मॉडर्न एंड कंफर्टेबल सिटी टू लिव इन, और अच्छी कंफर्टेबल सिटी वहाँ पे बनाई गई है, मॉडर्न सिटी बनाई गई है। इट इज़ अ वेल कनेक्टेड सिटी, वो एक दूसरे से, सिटी को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, एंड द दिल्ली मेट्रो प्रोवाइड्स अ फास्ट, और दिल्ली मेट्रो भी वहाँ पे बनाई गई है जिससे कि हमारे, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुँच सकें, और कम चीप उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमको चीपनेस में खर्चा कम करके मेट्रो से हम जल्दी से पहुंच सके अपने काम पे। ट्रांसपोर्ट टू द पीपल इन दिल्ली, ऑल फेस्टिवल्स लाइक होली, दिल्ली में सारे फेस्टिवल जैसे होली, दिवाली, ईद, दशहरा, नवरोज, ईस्टर, क्रिसमस, गुरु पर्व, पोंगल एंड संक्रांति, ये सब सेलिब्रेट होते हैं बहुत ही खुशी से, जॉय से। मैन नॉर्मली वेयर, जो आदमी होते हैं वो लोग पहनते हैं ट्राउजर्स एंड शर्ट्स, एंड वुमेन वेयर साड़ीज, और जो लेडीज होती हैं वहाँ की वो साड़ी पहनती हैं, नहीं तो सलवार कमीज पहनती है या वेस्टर्न ड्रेसेस। इन दिल्ली यू मीट पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्टेट से लोग आके दिल्ली में बसते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, नहीं तो वहाँ पे काम मिलता है उनको तो वो काम करते हैं किसी के अंडर में। एज इट इज़ फेमस फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलती हैं दिल्ली में। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो दिल्ली में पढ़ाई का संसाधन भी बहुत ही अच्छा है। एज ए रिजल्ट बड़ी बड़ी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे। एज ए रिजल्ट वी कम अक्रॉस मैनी कल्चर, और जिसकी वजह से हम कई स्टेट्स के कल्चर्स को हम पहचानते हैं, कई स्टेट के कल्चर्स को हम देखने को मिलता है हमें, ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो ऑफ अदर कंट्रीज, हम दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी जानने को मिलता है, वहाँ के कल्चर, वहाँ का रहन सहन वो भी देखते हैं। दे मेक, हम उनकी लैंग्वेजेस को भी सुनते हैं, कुछ बंगाल से लोग के बसे हुए तो बंगाली सुनने को मिलती है, साउथ से बसे हुए हैं, केरल से बसे हुए तो हमें मलयालम सुनने को मिलती है, तेलुगु सुनने को मिलती है। दे मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, बट दे लव दिस लाइवली सिटी, और लेकिन वो इस सिटी को प्यार भी बहुत करते हैं। देयरफॉर दिल्ली कैन बी कॉल्ड अ मिनी इंडिया, इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहा गया है। सो वन ऑफ द मेट्रो चैप्टर इज फिनिश्ड, दिल्ली इज वन ऑफ द मेट्रो सिटी, तो ये एक चैप्टर आपका खत्म हो गया है। तो इन द नाउ यूटी कोर्स भी बेटा आप लोगों का खत्म हो गया है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। टिल देन बाय।